डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का पॉलीनोमियल चैप्टर का जो पार्ट छूटा हुआ था उसका एक्सरसाइज 2D जो कि आपका पहले एडिशन का बुक है उसमें एक्सरसाइज 2D है। न्यू एडिशन का बुक आप देखिएगा तो इसमें एक्सरसाइज दूसरा होगा, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन आपको बताने जो जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम के बेस पर। फर्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन है x-2 इज ए फैक्टर ऑफ x³-f। क्योंकि यहाँ दोनों ही पॉलीनोमियल है, ये लीनियर पॉलीनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। आपको मालूम है कि किसी भी ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम इसको भी, इसको ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते थे x-2 से, लेकिन ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा x-2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये अगर डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि x-2 x³-8 का एक फैक्टर, जो कि इस मेथड के अनुसार ये आपका प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रोसेस के अनुसार हम लोग को शो करना ये है कि x-2 किस प्रकार x³-8 का एक फैक्टर है। जैसे एग्जांपल एक लिया जाए कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, क्या 2 का एक फैक्टर है। अगर 12 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि 2 का एक फैक्टर है, यानी रिमाइंडर क्या हमारा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये जिस पॉलीनोमियल से डिवाइड करने जा रहे हैं उस पॉलीनोमियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, यानी ये हमारा gx हुआ। और जिसमें हम लोग डिवाइड, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग px कहते हैं। और ये आपको मालूम है कि ये आपका qx यानी इक्वेशन, और जो आपका शेष बच जाता है उसको रिमाइंडर हम लोग कहते हैं। तो इस gx को हम लोग 0 के इक्वल मान लेते हैं। gx क्या है, यहाँ पर x-2 है, x-2 को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब यहाँ से x का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 2 मिला यहाँ पर, क्योंकि हम निगेटिव में है, इधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। अब x का वैल्यू 2 जो मिला, ये जो पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल को हम लोग लिख रहे हैं px इज इक्वल टू x³-f, और x का वैल्यू 2, जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। यहाँ 2 लिखा गया, पावर में 3 है, 3 लिखेंगे, इसके बाद 8 है, 2 का पावर 3, 2 का 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 आएगा, माइनस के बाद 8 है, ये दोनों आप माइनस कीजिएगा 0 आएगा, यानी p2 आपका आ गया 0। x का वैल्यू अगर आप रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, अगर 0 नहीं आता है तो आप कह सकते हैं x-2 x³-8 का एक फैक्टर नहीं है। लेकिन यदि 0 आ गया तो अब स्पष्ट आप कहेंगे कि x-2 क्या है, x³-8 का एक फैक्टर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप शो कर सकते हैं और ये शो आपका हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक देखिएगा, एक्सरसाइज देखिएगा, यहाँ 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस इस क्वेश्चन को अनुसार आप 8 तक बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देखिएगा बुक में, जो कि क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³+9x² + x + की। आप इस पॉलीनोमियल को देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म है और ये आपका चौथा टर्म जो कि k लिखा हुआ है, जो कि ये कांस्टेंट के रूप में है। यहाँ पर यहाँ कौन सा नंबर आएगा, क्या कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और साथ में ये भी दिया गया है x-1 क्या है और इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है, यानी x-1 से इस पॉलीनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 बताया, उसके आधार पर उसी प्रोसेस से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। gx यहाँ पर आपका है x-1, gx को क्या माना गया है, 0 माना गया है, gx आपका x-1 है, हमने x-1 को 0 की इक्वल लिखा, यहाँ से x का वैल्यू हमने क्या निकाला, 1 निकाला। अब ये जो पॉलीनोमियल आपका दिया गया है
ये स्पष्ट आपका दिखाई दे रहा है पावर में थ्री है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हुआ। इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को आप लिखिएगा और एक्स का वैल्यू आप क्या पुट कीजिएगा, वन पुट कीजिएगा। वन पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको के का वैल्यू आएगा। यहाँ पर मैं वन पुट किया, इसका वैल्यू टू इंटू वन का पावर थ्री, नाइन इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये टू इंटू वन होगा, नाइन इंटू वन होगा प्लस वन प्लस के, टू में वन का मल्टीप्लाई टू, नाइन में वन का मल्टीप्लाई नाइन प्लस वन प्लस के, नाइन और वन टेन, टेन और टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस के। आपको मैं बताया था जो वैल्यू आप रखिएगा सॉल्व कीजिएगा कि कितना के बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। जब इस जीरो के प्लेस में आपका क्या मिला, ट्वेल्व प्लस के, इसलिए आप ट्वेल्व प्लस के को किसके इक्वल मानिएगा, जीरो के इक्वल मानिएगा। और यहाँ से के का वैल्यू आपका क्या मिल गया, माइनस ट्वेल्व मिला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, जो कि थोड़ा सा हटकर है, यानी यहाँ पर टाइप बदला हुआ है। ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन एज वेल एज एक्स माइनस टू। यानी वह पॉलीनोमियल जो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, वह पॉलीनोमियल एक्स माइनस वन से भी डिविजिबल है और x माइनस टू से भी डिविजिबल है। ये आपको स्पष्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x माइनस वन क्या है, उसका एक फैक्टर है, यानी जी एक्स मान लेंगे हम लोग x माइनस वन को, और जी एक्स को किसके इक्वल मानेंगे, जीरो के इक्वल। x माइनस वन जीरो के इक्वल हुआ, यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिला, वन मिला। अब हम पॉलीनोमियल को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। वन वैल्यू पुट किया गया, टेन इंटू वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस बी, वन माइनस टेन प्लस ए प्लस बी। आप पहले ए को लिखिए, उसके बाद बी को, और टेन में से वन को माइनस कीजिएगा तो माइनस वन। ये जो ए प्लस बी माइनस नाइन मिला, तो एक्स माइनस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसलिए कितना की इक्वल आप लिखिएगा, जीरो की इक्वल, और आप इसको इक्वेशन वन मान लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड, एक्स माइनस टू भी इसका फैक्टर है, पुनः आप इसको जी एक्स मानेंगे एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू जीरो की इक्वल हो गया, एक्स इक्वल टू टू हुआ। पुनः पी एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस बी। एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, यहाँ टू पुट करोगे, टू का पावर क्यूब माइनस टेन इंटू टू का पावर टू प्लस ए इंटू टू प्लस बी। आप टू का पावर क्यूब आपका एट हुआ, टू टू जिया फोर, फोर में टेन का मल्टीप्लाई फोर्टी प्लस ए टू ए प्लस बी। आप यहाँ देखिए पहले टू ए लिखिए, इसके बाद बी लिखिए, अब फोर्टी में से एट को माइनस कीजिएगा तो माइनस थर्टी टू। ये टू ए प्लस बी माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो, आपका ये इक्वेशन टू। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करो। आप इक्वेशन वन में देखो कि ए का कोफिशियंट वन है, इक्वेशन टू में ए का कोफिशियंट टू है। अगर हम ए को दोनों जगह इक्वल कर दें और नहीं, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वेशन में बी सेम है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि वन और टू को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं ए प्लस बी माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ टू ए प्लस बी माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर साइन चेंज कीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। टू ए में से ए को माइनस कीजिएगा, माइनस ये हुआ, और थर्टी टू में से, थर्टी टू में से किसको माइनस कीजिएगा, नाइन को, तो ट्वेल्व में से नाइन माइनस कीजिएगा थ्री, और ये टू ट्वेंटी थ्री हुआ। यहाँ का मिला प्लस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस में है, आप उस साइड भेजिए, ये जाएगा प्लस हो गया, और यह ट्वेंटी थ्री। ए का वैल्यू आपका क्या मिला, ट्वेंटी थ्री मिला। इस ए के वैल्यू को आप इक्वेशन वन में रखो या इक्वेशन टू में रखो, लिखोगे लैंग्वेज आप कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका है
ए प्लस बी माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू है 23 प्लस बी माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब 23 में से 9 को आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका कितना होगा, 23 में से 9 को माइनस कीजिएगा 13 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो ये 14 आएगा, 14 प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू माइनस 14। इस प्रकार से ए और ये बी, ए और बी का वैल्यू जो आपका मिला यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।